बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियर मिजदानी शाम शेर प्लेटफॉर्म से। तो आज मैं आपको स्लोप ग्रेड के मुताबिक बताऊंगा कि जिसके अंदर आपके पास एलिवेशन उसकी लेंथ दी हुई होती है, तो आप उसके अंदर स्लोप और ग्रेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत यूजफुल वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है। सबसे पहले हम स्लोप को कैलकुलेट करेंगे। स्लोप के लिए फार्मूला है हमारे पास एलिवेशन 2 माइनस एलिवेशन 1 और डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ, दोनों पॉइंट्स की जो लेंथ दी होगी उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है तो स्लोप आ जाएगी। तो एलिवेशन 2 आपने इधर लिख देना है सबसे पहले, उसके बाद माइनस कर देना आपने एलिवेशन 1 को, उसके बाद डिवाइड कर देना। ये जो लेंथ दोनों पॉइंट्स की आ रही होगी, ये लेंथ आपने इधर लिख देनी है, तो इज इक्वल टू कर देना। तो 105.5 माइनस 100 करेंगे तो आपके पास 5.5 इसका डिफरेंस आ जाएगा। इसको आपने डिवाइड कर देना 250 के ऊपर। जब आप 250 के ऊपर डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी। ये स्लोप नज़र आ रही है, ये स्लोप हमारे पास आएगी 0.022 की। तो ये 0.022 की जो स्लोप आ रही है ये पर मीटर स्लोप है हमारी। तो आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो भी स्लोप कैलकुलेट करेंगे वो आपने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेनी है। 2 एलिवेशन 2 माइनस एलिवेशन 1 डिवाइडेड बाई लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई आपने पर मीटर उसको कर देना है उसके साथ स्लोप के साथ, तो ये आपका आ जाएगा पर मीटर स्लोप। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो हमारे पर ग्रेड जा रहा है आप इसको भी इसी तरह करेंगे। एलिवेशन 2 को आपने पहले लिखना है, उसमें से आपने एलिवेशन 1 को माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाई आपने इन पॉइंट्स की जो लेंथ आ रही है 300 मीटर वो आपने इधर कर देनी है। तो 102.5 माइनस 105.50, तो ये आप करेंगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा माइनस 3 का डिफरेंस। उसको आपने डिवाइड कर देना 300 के ऊपर जो इन दोनों पॉइंट्स की लेंथ आ रही थी। इधर जो माइनस का साइन आएगा आपने माइनस के साइन के साथ ही लगाना है, तो ये हमारे पास स्लोप पर मीटर आ जाएगी 0.010 की पर मीटर स्लोप होएगी। ये माइनस के अंदर स्लोप आ रही है। इसी तरीके से ये थर्ड वाला पोर्शन हमारे पास, ये एलिवेशन हमारे पास और ये एलिवेशन है हमारे पास, तो आपने इसको इसी तरीके से इसको करना है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि फार्मूला सबके साथ सेम टू सेम इसी तरीके से यूज़ होएगा। तो आपने इधर से 107.25 की फिगर को आपने पहले लिख देना स्लोप के हिसाब से, उसमें से माइनस आपने एलिवेशन 102.5 को आपने माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाय इनकी जो लेंथ आ रही है 400 मीटर उसके साथ आपने डिवाइड कर देना। तो आपने कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, 107.25 माइनस 102.50 आपने करना है, तो ये वापस आ जाएगा 4.75 डिवाइडेड बाई आपने 400 कर देना है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो ये हमारे पर मीटर स्लोप आ जाएगी 0.0118। तो ये आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है तो आपने ये फार्मूले के जरिए किसी भी पॉइंट्स के आप स्लोप्स वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम टू सेम यही फार्मूला होएगा इसका, स्लोप्स का, किसी भी पॉइंट्स का, किसी भी लाइन का, किसी भी चीज़ का, आपने जो भी स्लोप कैलकुलेट करनी है और स्लोप ही आपकी पर मीटर आएगी। इसके बाद हमने ग्रेड को कैलकुलेट करने, ऊपर आप ये देख रहे हैं ये जी परसेंट है ग्रेड। ग्रेड को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ग्रेड को जस्ट आपने इसी फार्मूले के साथ मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है, तो आपका ग्रेड आ जाएगा परसेंट के ऊपर, परसेंट के ऊपर माइनस 100 के ऊपर। तो आपने इसी तरीके से स्लोप इधर लिख देनी है, इधर जो स्लोप हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है सिंपली। तो ये हमारे पास 2.2% का ग्रेड आ जाएगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो ग्रेड आएगा ये आएगा हमारा 2.2% का। तो ये आपने इसी तरीके से इसका ग्रेड कैलकुलेट कर लेना। आगे हमने स्लोप कैलकुलेट की थी माइनस 0.010 मल्टीप्लाइड बाई आपने 100 कर देना है और इधर इसी तरीके से इसके ग्रेड आ जाएगा 1-1%। तो ये माइनस का साइन आपने लाजमी साइन लगाना है, तो ये हमारे पास माइनस 1% का इसका ग्रेड आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर के ऊपर जो स्लोप हमने कैलकुलेट की थी उसको मल्टीप्लाइड बाई आपने 100 कर देना तो आपका ग्रेड आ जाएगा। तो आपने स्लोप और ग्रेड का कंसेप्ट आपको मैक्सिमम इधर क्लियर हो गया होगा कि आपने पर मीटर स्लोप कैसे निकालनी है और स्लोप के ऊपर आपने ग्रेड को कैसे बनाना। तो बहुत सिंपल और यूजफुल वीडियो थी, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक जरूर कर देना है। बस मेरे चैनल के अंदर और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मौजूद है जिनको देख के आप